उपाध्यक्ष महोदय, हम समझते हैं कि कदम कदम करके बढ़ना अच्छा है और यह भी अनुभव करते हैं कि पूर्ण रूप से आदर्श संधि संभव नहीं है। फिर भी यह अपेक्षा करना उचित ही होगा कि 18 राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण समिति, जो निरस्त्रीकरण के उपाय निकालने के लिए ही बनाई गई थी, इस दिशा में कुछ ठोस सुझाव सामने रखेगी। भले ही वे मामूली हों, संधि के प्रस्तावित मसौदे से निरस्त्रीकरण को प्रोत्साहन नहीं मिलता और जब तक बड़े बड़े राष्ट्र नए नए परमाणु अस्त्र निकालते रहेंगे और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तब तक विश्व की सुरक्षा की भावना आगे नहीं बढ़ेगी। चाहे परमाणु अस्त्र वाले राष्ट्र हो या दूसरे राष्ट्र, जब तक कुछ न कुछ आत्मसंयम करने वाले उपाय नहीं किए जाएंगे, तब तक निरस्त्रीकरण की प्रगति के लिए कोई सार्थक आधार नहीं मिल सकता। भारत बार बार यह घोषणा कर चुका है कि वह परमाणु बम नहीं बना रहा है और परमाणु ऊर्जा का केवल शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए विकास कर रहा है। सुरक्षा समेत समस्या के सभी पहलुओं को राष्ट्रीय दृष्टि से मूल्यांकन करके हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं। एक माननीय सदस्य ने इस बात पर जोर दिया कि शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग की नीति को बदला जाए। मैं माननीय विरोधी सदस्य को यह आश्वासन देना चाहूँगी कि सरकार की नीति चाहे जो कुछ हो, उसका इस बात से कोई सरोकार नहीं कि कोई विशेष वैज्ञानिक अहिंसा में विश्वास रखता है या नहीं। वह उसका निजी मामला है। उसकी देखरेख में अगर ऐसा कोई कार्यक्रम चलता है तो उसको सरकारी नीति का पालन करना होता है। यह नीति राष्ट्रीय हित और विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में अच्छी तरह सोच विचार करके निर्धारित की जाती है। मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहूँगी कि सरकार इस नीति और सुरक्षा से संबंध रखने वाली सभी नीतियों को बहुत अधिक महत्वपूर्ण समझती है और निरंतर इनकी समीक्षा होती रहती है, किंतु हम अनुभव करते हैं कि गत 20 वर्ष की घटनाओं ने स्पष्ट रूप से यह बात सिद्ध कर दी है कि जब जब परमाणु हथियार रखने वाले और न रखने वाले राष्ट्रों में घोर सशस्त्र संघर्ष हुआ है, तो उस स्थिति में परमाणु हथियारों के रहने से उन्हें किसी तरह का सैनिक लाभ नहीं मिला है। हम समझते हैं कि विकल्प केवल परमाणु बम बनाने का ही नहीं है।